अनिता बैदेल 20 साल से वहाँ विधायक है। इधर सिंधी कैंडिडेट जो है वो वासुदेव देवनानी उम्मीदवार है इस वक्त, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो मिसकंसेंसस चल रहा है केंद्र नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से, जिस तरह का मिसकंसेंसस वसुंधरा राजे का चल रहा है, उस मिसकंसेंसस के चलते मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ऐसा रिस्क उठाएगी। बात हार जीत की तो देखिए, अजमेर में स्मार्ट सिटी को लेकर जिस तरह का रोष व्याप्त था, अनिता बैदेल के खुद के घर में घुटनों तक पानी भरा हुआ था, तो जब दूसरी बार रिपीटेशन में किसी की मानसिक हालत ऐसी हो सकती है तो ये तो चौथी बार रिपीट हुआ है, तो परफॉर्मेंस ग्राउंड पे तो दोनों ही सीटें फेलियर है। अजमेर वासियों को इससे कुछ प्राप्त हुआ नहीं है। अगर उनका टिकट काटा जाता है तो एक एक्सपेरिमेंट होगा और हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट में सफलता प्राप्त कर लें। आने वाले दौर में अगर शीर्ष नेतृत्व इनको आपस में बिठा के और एक साथ टिकट वितरण के अंदर इनको आपस में समझाइश कर पाता तो बेहतर होगा, क्योंकि सचिन पायलट के दखल से ही अजमेर के टिकट फाइनल होंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक बवाल जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अजमेर के अंदर सचिन पायलट ने लगातार दौरे किए, उसके बाद में परिवर्तन यात्रा भी अजमेर से गुजर चुकी है। अजमेर के कुछ सीनियर पत्रकार हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि अब जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है। सर, आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले कि अजमेर के अंदर अब जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है। देखिए, अजमेर शहर जो है दो विधानसभा सीटें हैं और एक सीट विशुद्ध रूप से एससी बाहुल्य है और दूसरा सामान्य वर्ग में। सामान्य वर्ग में भी अजमेर उत्तर की जो सीट है वो मानी जाती है कि सिंधी बाहुल्य इलाका है और मतदाता यहाँ सिंधी ज़्यादा है, इसीलिए कम से कम बीजेपी तो पिछले 20 साल से सिंधी उम्मीदवार को ही उतारती रही है। कांग्रेस ने प्रयोग जरूर किए हैं, कांग्रेस ने सिंधी की बजाय गैर सिंधी को टिकट दिया लेकिन वो हार गए। तो ये एक तरह से दोनों सीटें आरक्षण जिसे कहते हैं वो आरक्षित सीटें हो गई है दोनों, एक सिंधी वर्ग के लिए और दूसरी एससी वर्ग के लिए। एससी में भी अजमेर दक्षिण जो है वो विशुद्ध रूप से कोली बाहुल्य इलाका है, तो कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो वहाँ कोली को ही टिकट देने की प्राथमिकता उनकी रहती है। अनिता बैदेल 20 साल से वहाँ विधायक हैं। इधर सिंधी कैंडिडेट जो है वो वासुदेव देवनानी उम्मीदवार हैं। अब लगातार 20 साल अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर सत्ता में रह जाता है, विधायक रह जाता है, तो उसका एंटी इनकम्बेंसी ऑटोमेटिकली ही डेवलप हो जाता है। आज की स्थिति यह है कि बीजेपी में दोनों ही दलों के जो एमएलए हैं, बीजेपी की जो दोनों एमएलए हैं उनके अंदर खाने में काफ़ी खिलाफत है, लेकिन तस्वीर जो लगती है मुझे नहीं लगता कि इतने विरोध के बावजूद भी बीजेपी अनिता बैदेल या वासुदेव देवनानी इन दोनों में से किसी एक का भी टिकट मुझे नहीं लगता कि वो काटें, ये दोनों ही रिपीट करेंगे। हालांकि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला स्टेप उठाती रही है, संभव है कि इन दोनों को वो टिकट ना दें। इसके नहीं देने के पीछे एक ही कारण हो सकता है कि पिछले दिनों बीजेपी ने जो आयोजन किए थे उन आयोजनों को लेकर के जो अंदरूनी रिपोर्ट्स जो आई थी उन दोनों में अजमेर उत्तर और दक्षिण दोनों को ही उन्होंने मार्किंग कम थी और कम मार्किंग की वजह से इनके नेगेटिव नंबर मिले हैं, तो वो एक जो कारण जो था कि अंदर ही अंदर इनकी खिलाफत है या नहीं वो इनके नेगेटिव जा सकता है, ये तो है बीजेपी का। कांग्रेस में तो चूंकि आप देख ही रहे हैं उनका तो संगठन नाम की चीज़ भी अजमेर में नहीं है, ये अलग मुद्दा है कि इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो नज़दीकी माने जाते हैं धर्मेंद्र सिंह राठौड़, उनका अजमेर उत्तर से टिकट की दावेदारी करते ही, उनके अजमेर में सक्रिय होते ही एक बड़े कद का नेता अजमेर में आ गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो तमाम बिखरे हुए जो लोग हैं वो चूंकि उनको एक बड़े नेता की ज़रूरत है, उनके अपने काम होते हैं, अपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो धर्मेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में ये तमाम लोग एकजुट हो सकते हैं और जा सकते हैं। फिलहाल तो कांग्रेस की राजनीति में ये क्लियर कट लगता है, लेकिन अंदर खाने में राजकुमार जयपाल और
हेमंत भाटी के बीच जो विवाद चल रहा है वो विवाद आज का नहीं है। राजकुमार जयपाल जो अजमेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र थी तब भी दावेदारी, इस परिवार की दावेदारी वहाँ रहती, उनकी उनकी माता जी ने भी अजमेर पूर्व जब थी चुनाव लड़ा, और आपस में इन दोनों ही लोगों ने, दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे की बहुत कार सेवा की है, तो वो कार सेवा आज तक बरकरार है। अभी पिछले दिनों टिकट की दावेदारी हुई तो हेमंत भाटी ने जो बयान दिया कि आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, उसके काउंटर में राजकुमार जयपाल ने मानहानि का केस कर दिया। तो ये पूरा एक जो मिजाज है वो आज का नहीं है, पिछले 35-40 सालों से ये दोनों परिवारों की अजमेर जो आरक्षित सीट है SC के लिए उसको लेकर के झगड़ा चलता रहा और ये चलेगा। अगर हेमंत भाटी को दक्षिण से टिकट मिला तो आप 100% में दावे से कहता हूँ कि राजकुमार जयपाल एंड कंपनी उनकी कार सेवा करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी, बशर्ते कि कोई ऊपर से ही बड़ा दबाव आके उनको रोक ना। आपका ये मानना है, प्रताप जी का ये मानना है कि अजमेर के अंदर जो भाजपा के टिकट हैं वो नहीं बदले जाएंगे, लेकिन सतीश पूनिया जब अजमेर आए थे तो कुछ BJP के पार्षदों ने अनीता बघेल की के खिलाफ गए थे, उन्होंने ज्ञापन भी दिया। देखिए ये तो दिखती सी बात है कि अगर कोई सिटिंग MLA 20 साल का अंतराल बहुत बड़ा अंतराल होता है, और वो किसी भी पॉलिटिकल गणित या किसी भी गणना को ताक पे रखने के लिए बहुत होता है, और इस वक्त क्योंकि वसुंधरा राजे का जो मिसकंसेंसस चल रहा है केंद्र नेतृत्व से, शीर्ष नेतृत्व से जिस तरह का मिसकंसेंसस वसुंधरा राजे का चल रहा है, उस मिसकंसेंसस के चलते मुझे नहीं लगता कि BJP ऐसा रिस्क उठाएगी। कम से कम आप देखते होंगे अखबारों में प्रकाशित कि 20-25 सीटें ऐसी हैं जो परंपरागत रूप से एक तरह से फिक्स हो गई हैं BJP की, उसमें अजमेर दक्षिण और अजमेर उत्तर शामिल है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे माहौल में जब चारों तरफ चैलेंज है, कैलाश मेघवाल ने बाहर अपनी लकीर से निकलकर बयानबाजी की है, जोधपुर विधायक स्वर्णलता व्यास ने बयानबाजी की है, ऐसे संक्रमण काल में मुझे नहीं लगता कि टिकट काटे जाएंगे किसी के भी। बात हार जीत की तो देखिए अजमेर में स्मार्ट सिटी को लेकर जिस तरह का रोष व्याप्त था, अनीता बघेल के खुद के घर में घुटनों तक पानी भरा हुआ था, वो एक साक्षात्कार में मुझसे मिली थी तब मैंने उनसे कहा कि आपके खुद के घर में घुटनों तक पानी भरा हुआ था, आपको कैसा लगा, उस चीज़ का वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। तो परफॉर्मेंस ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो ये दोनों ही विधायक इनिशियली क्या पहले 5-7 साल या पहला टर्म या 4 साल कोई भी विधायक एनर्जी से काम करता है, नया नया आता है, एक बार विधायक बन गया, दूसरी बार जब कोई लगातार उस सीट से विधायक बन जाता है तो वो एक जनरल बात है, कोई भी दूसरी बार रिपीट करेगा तो कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसे लगता है कि अब मैं कैसे भी करूँगा चल जाएगा। तो जब दूसरी बार रिपीटेशन में किसी की मानसिक हालत ऐसी हो सकती है तो ये तो 4th बार रिपीट हुए हैं, तो परफॉर्मेंस ग्राउंड पे तो दोनों ही सीटें फेलियर हैं, अजमेर वासियों को इससे कुछ प्राप्त हुआ नहीं है। अगर उनका टिकट काटा जाता है तो एक एक्सपेरिमेंट होगा और हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट में सफलता प्राप्त कर लें फिर BJP, क्योंकि सामने जो विधायक का कैंडिडेट है वो ऑलरेडी 2 बार हेमंत भाटी को दिया, उन्होंने 2 बार उनके सामने चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब की बार क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी भी है और शहर ने बारिश के दौरान ये सब भुगता भी है, पानी का भाव और बहुत सारा स्मार्ट सिटी का सत्यानाश भुगता है, तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी कि चलिए वो सीट इस बार निकल जाए। लेकिन जो फैक्टर राजकुमार जयपाल और इनकी फैमिली के मिसकंसेंसस का फैक्टर जो है वो फैक्टर निश्चित तौर से बहुत पुराना है, लेकिन अभी अपने हालिया ही एक इंटरव्यू में राजकुमार जयपाल ने ये कहा था कि अगर कोई AICC से या प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कोई बड़ा इंटरफेयर करता है, जब उनसे पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि आपने ये जो किया है ये कहीं ना कहीं पार्टी को लॉन्ग टर्म में नुकसान दे देगा और आपको इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर कोई बड़ा बीच में बैठता है तो मैं पार्टी की कीमत पे इस चीज़ को खींचूंगा नहीं। जब उनसे पूछा गया आपने मुकदमे दर्ज कर दिए, आप कंपाउंड करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कोई बड़ा हस्तक्षेप करेगा तो करेंगे। साइमल्टेनियसली हेमंत भाटी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा जो मंतव्य है वो उनको हर्ट करने का नहीं था, मैं स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से ये चीज़ निकल गई है, मैं उनको किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता था और मेरे और उनके संबंध काफ़ी मधुर रहे हैं। तो ये चीज़ दिखाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो शीर्ष संगठन है वो अगर बीच में बैठेगा तो फिलहाल ये झगड़ा थोड़े टाइम के लिए सही टल जाएगा, कितना उसका इम्पैक्ट पड़ता है
कि कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस का कैंडिडेट चाहे जयपाल बने चाहे भाटी बने या कोई अन्य बने, उसका कितना इफेक्ट कॉज और इफेक्ट आता है वो अभी देखेंगे आगे, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक उत्तर का सवाल है, उत्तर में भी लगभग कमोबेश यही हाल है। वासुदेव देवनानी के खिलाफ यहाँ पर बहुत तगड़ी लामबंद हो चुके हैं लोग। वैश्य समाज ने तो बाकायदा टारगेट करके ये कहा कि वासुदेव देवनानी इस बार नहीं चाहिए। उनका जो टारगेट है वो कोई सिंधी समाज नहीं था, उनका टारगेट वासुदेव देवनानी का परफॉर्मेंस था। और इसके अलावा भी कई, मतलब उनकी पार्टी के भीतर भी ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, जैसे कमल प्रकाश कृष्णानी हुआ और हरीश गिदवानी हुआ, और भी अन्य कई लीडर हैं। एक निरंजन शर्मा हैं, आरएसएस के बहुत तगड़े बैकग्राउंड के लीडर हैं। तो वो लोग भी अपनी मशक्कत किए हुए हैं कि जे एन के प्रकरण देवनानी जी का टिकट कट जाए, जिसकी संभावना मुझे अभी फिलहाल नहीं लगती है। लेकिन अगर उनका भी टिकट कटता है तो एक नवाचार होगा बीजेपी के लिए, जो रिस्क वो मेरे ख्याल में ऐसे वसुंधरा राजे वाले संक्रमण काल में लेना वो उचित नहीं समझेंगे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, बहुत अच्छी जाम बांध दी थी अशोक गहलोत समर्थक आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने, बहुत अच्छी जाम बांध ली थी और लगभग सारे गुट उनके फेवर में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली एक टच एंड गो विजिट जो सचिन पायलट की हुई है, उसका यहाँ पे राजनीतिक मायना निकाला जा रहा है और चर्चाएं गर्म है कि पिछले टाइम में जो 4-5 मुकदमे दर्ज कर दिए गए परस्पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ग्रुप के बीच, उस संक्रमण काल में हो सकता है कि पायलट समर्थकों ने उनसे कहा होगा कि साहब आप आइए, एक बार आएंगे तो थोड़ा राहत महसूस होगी। तो ये सब चीजें कितनी मीटअप हो पाती है ये अभी। लेकिन सचिन पायलट के अजमेर दौरे के दौरान आपने भी देखा कि काफी अशोक गहलोत गुट के या जो राठौड़ गुट के थे वो भी काफी संख्या के अंदर। हाँ हाँ, उसमें थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो अप्रत्यक्ष शक्तियां हैं हर संगठन में, चुनाव के टाइम ऐसे अप्रत्यक्ष शक्तियां, शीर्ष नेतृत्व अपना काम करता है। जैसे डॉक्टर श्री गोपाल बायती, जो कि पारंपरिक रूप से अशोक गहलोत के राइट हैंड माने जाते थे, मिनी सीएम का दर्जा हासिल था कई सालों तक उन्हें अजमेर की राजनीति में, रघु शर्मा हुए, ये जो लोग हैं ये लोग भी उस दिन सचिन पायलट जब आए तो उनके साथ दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये कोशिश कर रहा है कि इसको न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाए। इस विजिट के अपने आप में मायने हैं, इसको आप इजीली ऐसे गो थ्रू करके इस चीज का हम निष्कर्ष निकालें वो पॉसिबल नहीं है। किस तरह से देखते हैं कांग्रेस संगठन को और उसके बाद में जो भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाली उसे? कांग्रेस संगठन के अंदर जिस प्रकार से सचिन पायलट का दखल है, उस हिसाब से कांग्रेस उबर नहीं पा रही है कि किस तरह इसको आगे संगठन को खड़ा किया जाए। और जिस तरह धर्मेंद्र राठौड़ का लगातार दखल रहा, और अभी हाल ही सचिन पायलट ने भी जिस तरह उनके प्रति बयानबाजी की कि कौन धर्मेंद्र राठौड़, तो उसको लेके भी एक माहौल क्रिएट हुआ है। और आने वाले दौर में अगर शीर्ष नेतृत्व इनको आपस में बिठा के और एक साथ टिकट वितरण के अंदर इनको आपस में समझाइश कर पाता तो बेहतर होगा, क्योंकि सचिन पायलट के दखल से ही अजमेर के टिकट फाइनल होंगे लगभग ऐसा माना जा रहा है। और जिस तरह भाजपा ने संकल्प यात्रा निकाली, मगर जिस तरह से लोगों का उसके प्रति रुझान कम रहा, पब्लिक कम रही, ये भी संकेत देता है विधायकों की वजह से कि भाई सिटिंग एमएलए हैं 20 साल से और उन्हीं की वजह से लोग इसमें कम उपस्थित हुए। उनकी जो काम करने की जो क्षमता है, जिस प्रकार से 20 साल के अंदर लोग यही कह रहे हैं कि कोई उपलब्धि नहीं गिना पा रहे हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं दोनों मंत्री भी रहे दोनों बार, उनके प्रति जो काम उन्होंने किया वो कोई ऐसा नहीं जिसको जनता के पास गिना के जाया जा सके कि भाई ये बुनियादी काम किया। उस वजह से दोनों दलों में स्थिति अनिश्चित है कि कुछ भी हो सकता है। और जहाँ कैंडिडेट का मामला आएगा, अगर पायलट और अशोक गहलोत गुट में अगर खींचतान हुई और किसी तरह से कोई निर्दलीय खड़ा होता है तो वो आने वाले दौर में उसको इफेक्ट करे। परिवर्तन यात्रा अभी निकली है, उसे लेकर के किस तरह से मानते हैं? कई दावेदारों ने जमकर स्वागत किया लेकिन जो सभा थी वहाँ पर भीड़ नहीं जुट पाई। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो पिछले 6 महीने में कार्य किए गए हैं उसे लेकर जो इस समय जनता में एक व्यू बना हुआ है कि उन्होंने किस तरह से जो है जनता को राहत पहुंचाई है, उसे लेकर एक ना एक बात ये मानी जा सकती है कि परिवर्तन यात्रा का फेल होने का कारण ये भी एक प्रमुख कारण है। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 6 महीने में आम जन, जो गरीब तबके का लोग है, सामान्य वर्ग का लोग है,
उसे महंगाई राहत कैंप, बिजली में राहत, चिरंजीवी योजना और ऐसी ना जाने कई तरह की योजनाएं पिछले 6 महीने में अशोक गहलोत सरकार ने देके एक बाउंसर मारा है, और उस बाउंसर का असर आप देख सकते हैं परिवर्तन यात्रा में आपको दिखाई दिया। जिस तरह से बीजेपी के गढ़ में घुस के कांग्रेस के लोग हल्ला बोल कर रहे हैं, वो हल्ला बोल भी आपने देखा है किस तरह से, तो उसका असर मैं मानता हूं कि जल्द ही आने वाले इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरह से कांग्रेस सरकार पूरे दमखम के साथ कह रही है कि रिपीट होगी सरकार, तो मैं इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप करता हूं और ये बिल्कुल रिपीट होने के चांस भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर सचिन पायलट ने सबसे ज्यादा टिकट वितरण किए थे अजमेर जिले की, यदि बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी थे उस समय कांग्रेस के, उसके बाद अब ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरह से वो अजमेर आए और उन्होंने अपना दमखम दिखाया, जो गहलोत गुट के लोग थे वो भी आए, तो क्या मानते हैं कि कितना टिकट जो है सचिन पायलट के खेमे में जा सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक तो अभी इस समय जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो कुछ एक खींचतान थी, उसको कांग्रेस हाईकमान ने काफ़ी कुछ सॉल्व कर दिया है। जो दिखने में आ रहा है वो ये है कि दोनों को ये बात पता है कि यदि हम इस बार माहौल बहुत अच्छा है, सरकार रिपीट हो सकती है, लेकिन यदि हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। पिछले कई सालों से ये रहा है कि 5 साल के चुनाव के बाद में जब चुनाव होता था, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती थी तो नेक्स्ट सरकार कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार होती थी तो ये पब्लिक भी मानती थी कि अब नेक्स्ट सरकार बीजेपी की है। यहाँ तक कि कार्यकर्ता ये मान के चलते थे कि हमारी सरकार आ रही है, और कांग्रेस के लोग मानते थे कि हमारी सरकार जा रही है। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उल्टा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमेशा बहुत वो रहते हैं कि सब उनका पक्का रहता है कि हम लोग आएंगे, तो वो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे। और अशोक गहलोत और ये कांग्रेस का खेमा जो है वो बार बार ये कह रहा है कि सरकार रिपीट होगी रिपीट होगी, तो जो माहौल एक तरह से बनाया है अशोक गहलोत सरकार ने, सभी लोगों को साथ लेना, सभी लोगों को राहत पहुंचाना, तो ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी कुछ संतुष्ट हैं और उनको लगता है कि ये सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। निःशुल्क मोबाइल और राशन का भी फर्क पड़ेगा? पड़ रहा है, ये मैंने ऐसे लोगों से चर्चा की है जिनको निःशुल्क मोबाइल मिला है, तो उन्होंने कहा सर कि हमारी बच्चियां को पढ़ने में और उनकी पढ़ाई करने में वो बहुत मददगार हो रहा है। तो ये एक बहुत एक अच्छी बात है कि अशोक गहलोत ने जो योजना शुरू की है उसका फ़ायदा बच्चों तक को मिल रहा है, तो ये इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। नरेश जी से एक सवाल और लेना चाहेंगे हम यहाँ पर, कि अजमेर में फिलहाल यदि विधानसभा की बात की जाए तो 8 में से कितनी सीटें आप बीजेपी को देते हैं? किसको? बीजेपी को? बीजेपी को देखिए, 8 में से अभी उनके पास मेरे ख्याल में 6 सीटें हैं, 5 है। तो आप ये मान के चलो कि इस बार वही 5 सीटें कांग्रेस की आएंगी, और बीजेपी की स्थिति इस बार इतनी स्टेबल लग नहीं रही है। अजमेर शहर की यदि दोनों सीटों की बात करें, अजमेर उत्तर और दक्षिण, में देखिए, मैंने फिर वही कहूँगा, फैक्टर यही है कि अजमेर उत्तर में हमेशा से सिंधी गैर सिंधी का एक वो कंपटीशन चलता रहा है, तो इस बार कांग्रेस संगठन ने, पिछली बार कांग्रेस संगठन ने इसमें सिंधी समाज को तवज्जो नहीं दी थी, और हमेशा से गैर सिंधी जो नेता हैं जैसे महेंद्र सिंह रलाता हुए, डॉक्टर बाहेती हुए, इनको चांस दिया। ये लोकल लीडरशिप होने की वजह से इन दोनों के आपसी टकराव में एक दूसरे को जो नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने, उस नुकसान की वजह से सीटों का लॉस हुआ है। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा चेहरा है जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की छाया माने जाते हैं, इसलिए। और अजमेर का तो वैसे भी ये रहा है कि बाहर का व्यक्ति आता है, बड़े आराम से जीत के निकल जाता है, क्योंकि उसमें एक क्षमता होती है कि बाकी सबको साथ बिठा के बात करने की, और किसी का कोई वैमनस्य होता नहीं है। तो मेरा यह मानना है कि धर्मेंद्र राठौड़ एक मात्र ऐसा चेहरा है जो उत्तर की सीट कांग्रेस के फेवर में लाने की ताकत रखते हैं। उनके अलावा अगर फिर लोकल किसी आदमी को दिया गया तो फिर बात वहीं आके पहुंचेगी, और देवनानी जो है 25वीं मनाएंगे अपनी। और जहाँ तक
दक्षिण का सवाल है, दक्षिण में भी इनको बदलाव लाना पड़ेगा। बीजेपी को अगर ये सीट रिटेन करनी है तो इनको ये बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी की नहीं, वो आजकल चुनाव व्यक्ति विशेष का चुनाव हो गया। उत्तर में भी व्यक्ति विशेष पर ही केंद्रित होकर मैंने इस बात का आपको जवाब दिया है कि व्यक्तित्व के आधार पर धर्मेंद्र राठौड़ मजबूत है, और वहाँ पे व्यक्ति विशेष की वजह से 20 साल से उस पर्टिकुलर नेता की एंटी इनकम्पेंसी जो है वो इनको आड़े आ सकती है अगर बीजेपी वहाँ भी अपना चेहरा बदलती है। मानते हैं कि यदि टिकट बदला गया अजमेर उत्तर से और दक्षिण से तो बीजेपी मजबूत होगी? अगर उत्तर और दक्षिण दोनों से चेहरे बदले गए तो बीजेपी को मजबूत होने की आशंका है, नो डाउट। तो ये थे अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार कैमरामैन राजवीर के साथ चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर।